सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पति अपना पत्नी को मेंटेनेंस कब नहीं देगी, यानी कि पति को मेंटेनेंस कब नहीं देना होगा। यदि पत्नी कहीं काम कर रही है, कोई जॉब कर रही है या फिर प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास, जैसे MBA किया हुआ है या लॉ किया हुआ है या फिर कोई इंजीनियरिंग का डिग्री की हुई है, या फिर वो यदि बिना वजह के अपना पति से अलग रह रही है, यानी कि यदि आप पति हैं और बिना कोई कारण का आपको छोड़ के वो मायके चले गई है और डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। साथ ही यदि आपका पत्नी कहीं कोई दूसरे व्यक्ति के सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो भी आप यहाँ पर मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ साबित करना होगा, आपका पत्नी जहाँ भी कोई जॉब में है या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, या आप बिना वजह के आपसे अलग हो गया है, या फिर कोई व्यक्ति के सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो ये चीज़ को आपको कोर्ट के अंदर साबित करना होगा। जब भी आपका पत्नी बिना वजह के आपसे दूर हो गया है, यानी कि वो मायके चली गई है और डिवोर्स का केस फाइल किया है, तो यहाँ एविडेंस तो आपको होगा नहीं, क्योंकि वो बिना वजह का गई है। जहाँ तक प्रोफेशनल जॉब का बात है या डिग्री का बात है, तो ये तो डॉक्यूमेंट होता है, आप दिखा सकते हैं, लेकिन बिना वजह का जाने में जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत का कमेंट आया था कि बिना वजह का गया हुआ है तो ये चीज़ को कैसे साबित करें। तो यहाँ पर जो है आप ये साबित कर सकते हैं कि आप अपना माता पिता को या फिर भाई को या फिर आप अपना फैमिली में कोई भी व्यक्ति को आप जो है यहाँ पर एविडेंस के तौर पे उपयोग कर सकते हैं, या आप अपना अड़ोसी पड़ोसी को भी कोर्ट में जो है एविडेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई रिलेटिव को भी यहाँ पर एविडेंस बना सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि वो जो है बिना वजह का गई है। यदि आपकी पत्नी डिवोर्स का भी केस की हुई है और मेंटेनेंस का भी केस की हुई है, तो डिवोर्स का केस का नोटिस तो लेट से आता है, लेकिन पहले मेंटेनेंस का केस का नोटिस आ जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस पे पहले सुनवाई होता है, उसके बाद डिवोर्स पे सुनवाई होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेंटेनेंस का केस जो यदि जीत जाते हैं, यानी कि आपको यदि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, तो स्वतः जो है उसका डिवोर्स का केस वो भी कमज़ोर हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। यदि आप मेंटेनेंस का केस नहीं जीत पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप कहीं वर्किंग है, कहीं कमा रहे हैं, कोई भी जॉब में है, सरकारी जॉब में या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, तो आपका जितना सैलरी आपको मिल रहा है उसका 25% मैक्सिमम जो है उसको मेंटेनेंस आप देंगे। मैक्सिमम जो है कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है तो वो 25% ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि आप जितना कमाएंगे उसका 25% आपको हो सकता है वो ईयरली या फिर मंथली पे करना पड़ जाए। ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि आप मंथली उसको मेंटेनेंस देंगे या फिर ईयरली देंगे। कोर्ट के द्वारा जो भी डिसाइड किया जाएगा उसको आपको पालन करना होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे तो क्या होगा। यदि यहाँ पर पति कोई जॉब में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खास करके यदि गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर कोर्ट का आदेश का उल्लंघन किए हैं तो आपका डिपार्टमेंट आपको नौकरी से सस्पेंड कर देगा। इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो पहले बना के अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। साथ ही साथ यदि कोर्ट का उल्लंघन किए हैं तो आपको 1 महीना का सजा भी हो सकता है, 1 महीना आप जेल में, आपको 1 महीना जेल में रहना पड़ सकता है। मैंने जो बताया कि यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ यदि कोई व्यक्ति जॉब में नहीं है तो उसको भी 1 माह का सजा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि 1 माह का यदि सजा आप काट के आ गए हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा, मेंटेनेंस तो देना ही होगा फिर भी। तो उसके बाद जो है पत्नी यदि कोर्ट में आवेदन करेगी तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसका कुर्की किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस का पैसा उससे निकाल लेगी। तो आपने देख लिए कि यदि मेंटेनेंस कोर्ट का आदेश हो जाता है मेंटेनेंस देने का और मेंटेनेंस आप नहीं देते हैं तो आप कितना बड़ा नुकसान में फंस सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, मैंने मेंटेनेंस के बारे में हर चीज़ बताया, साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक ही टॉपिक पर यदि ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं प्रॉपर वीडियो उस टॉपिक पर बना दूंगा।